वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर स्ट्रिंग्स के बारे में। इक्वल टू होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों कहा जाता है? सपोज हमारे पास एक बास्केट है और 7 एप्पल्स यहाँ पे हमारे पास पड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि ये 7 एप्पल्स इस बास्केट के अंदर डाल दें, यानी कि इन 7 एप्पल्स को हम असाइन करना चाह रहे हैं बास्केट को। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एप्पल्स इन बास्केट इज इक्वल टू 7। तो इज इक्वल टू 7 यानी 7 एप्पल्स को बास्केट के अंदर डाल दो, उसको असाइन कर दो। इज इक्वल के राइट साइड पे जो भी वैल्यू हम लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल बनाया हुआ हमने, ये उसको असाइन हो जाएगा। जैसे इस केस में ये 7 एप्पल्स बास्केट को असाइन हो जाए। अब सपोज हम ये चाहते हैं कि 2 एप्पल्स और ऐड कर दें इस बास्केट के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास होता है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑगमेंटेड का मतलब होता है किसी चीज को एनलार्ज करना, इंक्रीज करना या मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इस केस में हम बास्केट में 2 और एप्पल डालना चाह रहे हैं, यानी एप्पल्स इन बास्केट प्लस इक्वल टू हम लिख सकते हैं। ये सेम इसी तरह से है कि जिस तरह से हम अगर लिखें एप्पल्स इन बास्केट इज इक्वल टू एप्पल इन बास्केट प्लस 2, यानी एप्पल्स इन बास्केट जहाँ 7 मौजूद है उसमें 2 और डाल दो। लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि हम इसको 2 दफ़ा लिखें एप्पल्स इन बास्केट इज इक्वल टू एप्पल इन बास्केट प्लस 2। तो उसके लिए हमारे पास होता है ऑगमेंटेड ऑपरेटर। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं प्लस इक्वल टू। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हम इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू। अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो हम उसको लिखते हैं माइनस इक्वल टू। इसके अलावा हम लोग आज बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है? पाइथन में एक स्ट्रिंग सिंपली एक पीस ऑफ टेक्स्ट, कोई सा भी जो हो, हम उसको कहते हैं कि ये स्ट्रिंग। और इसको लिखा कैसा जाता है? हम उसको एनक्लोज कर सकते हैं सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो को सिंगल कोट के अंदर और फिर डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन समटाइम्स हमारे पास ये होता है कि कुछ लॉन्ग से टेक्स्ट होते हैं, तो अगर हम उनको सिंगल कोट और डबल कोट में डालें तो हम एक ही लाइन के ऊपर सिर्फ डाल सकते हैं, सेकेंड लाइन के ऊपर हम नहीं जा सकते, और हम उसके अंदर कोई सीक्वेंस या ऑपरेटर कुछ और यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो उसके लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम ट्रिपल कोट्स डाल दें। अब ट्रिपल कोट्स डाल के हम जितनी भी लंबी स्ट्रिंग को, पैराग्राफ कुछ भी डालना चाहें तो ट्रिपल कोट्स डालेंगे, उसके बाद अपना टेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे और जहाँ पे भी हमने अपना टेक्स्ट एंड करना है उसके बाद ट्रिपल कोट एक और डाल देंगे। क्लियर होगी? यानी सिंगल कोट में डाल सकते हैं, डबल कोट के अंदर डाल सकते हैं या ट्रिपल कोट के अंदर डाल सकते हैं। अब एक चीज कि दो स्ट्रिंग्स को हमने जोड़ना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हमारे पास जो वर्ड है एक है कंकैटिनेशन। जितना ही मुश्किल वर्ड आपको सुनने में लग रहा है ना, काम इसका बहुत ही ईजी सा है। ये जस्ट ग्लू की तरह से दो स्ट्रिंग को ना आपस में जोड़ देगा, और इसके लिए हम ऑपरेटर बीच में यूज करते हैं प्लस का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फौसिया, लास्ट नेम है शारी, और अब इन दोनों को हमने जोड़ना है तो फुल नेम हमारा हो गया जी फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, जैसे सपोज गुड प्लस मॉर्निंग, तो ये हमारे पास जुड़ जाए। अभी हम कोड में इसको करके देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और कोडिंग स्टार्ट। बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, जो कि है हमारा इक्वल टू। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है बास्केट नाम का, और चलिए इसको कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। तो असाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इक्वल टू, और उसके बाद कोई भी वैल्यू, जैसे हमने 7 इसको असाइन करना चाहिए। तो आप इसको अगर हम प्रिंट करा के देखें, देयर आर 7 एप्पल्स इन बास्केट, यानी बास्केट के अंदर वैल्यू हमने डाली 7, यानी असाइन कर दिया हमने 7 को बास्केट। तो अब बास्केट जब भी हम लिखेंगे, प्रिंट कराएंगे, तो हम देखेंगे उसके अंदर हमें जो वैल्यू उसके अंदर डली हुई होगी वो नज़र आएगी। जैसे यहाँ पे 7 था, अगर आप कोई और वैल्यू उसको असाइन कर देंगे तो वो वाली वैल्यू उसके अंदर नज़र आ जाएगी। जैसे अब हम इसको 10 असाइन कर दिए और अब हम इसको देखते हैं, तो देयर आर 10 एप्पल्स इन बास्केट, यानी जो भी हम बास्केट को जितनी वैल्यू भी असाइन कर देंगे वही उसके साथ टच हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा जी असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम कोई किसी भी वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करते हैं।
अब अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ और ऐड कर दें, बास्केट के अंदर 7 हमने वैल्यू डाली थी और अब हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर प्लस 2 कर दें, तो एक तरीका तो ये है कि जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि बास्केट इज इक्वल टू बास्केट प्लस 2, तो बास्केट में पहले 7 है तो यहाँ पे समझ लें बास्केट की जगह पे 7 आ जाएगा और प्लस 2 होके 7 प्लस 2 हो जाएंगे 9। इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। देयर आर 9 एप्पल्स इन बास्केट। लेकिन एक्चुअली कोडिंग की दुनिया में किसी भी चीज़ को रिपीट करना इतना अच्छा नहीं समझा जाता, एरर के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते, तो इसके लिए यह हमारे पास आ जाता है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए इक्वल प्लस, हमेशा क्या होगा कि जो चीज़ आपने अगर ऐड करनी है तो प्लस का ऑपरेटर, अगर मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई का ऑपरेटर, और अगर डिक्रीमेंट करना है तो माइनस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करना चाह रहे हैं बास्केट के अंदर 2 और एप्पल्स को ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा प्लस। उसके बाद हमने इसको बास्केट नाम के वेरिएबल को इस 2 को असाइन भी करना है तो हमें असाइनमेंट ऑपरेटर देना होगा, तो हम लिखेंगे प्लस इक्वल। तो इसको अब हम कहते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑगमेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इनलार्ज करना, बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। चूँकि हम 7 यहाँ पे पहले से मौजूद था और 2 अब उसके अंदर और इन्हेंस करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमने लिख दिया प्लस इक्वल 2। आपने अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वल, और अगर माइनस करना होगा लिखेंगे माइनस इक्वल। तो ये हमारा है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम बहुत मुश्किल सा लगता है लेकिन बहुत ही ईजी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है? मेरी कोई भी टेक्स्ट, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। जाइए जैसे यहाँ पे लिखा जी फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फौजिया, फिर सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, फिर तो पहले नंबर पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सिंगल कोट के अंदर, क्योंकि हम इसको सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। दूसरी लाइन पे आपको फर्स्ट नेम लिखा हुआ फौजिया लिखा हुआ नज़र आ रहा है डबल कोट के अंदर, हम डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। और थर्ड वन पे आपको नज़र आ रहे हैं ट्रिपल कोट, और आप गौर करें अगर ट्रिपल कोट लिख के फौजिया लिख के हम अगली लाइन पे आ गए हैं, शारीन लिखा है, उसके बाद उसको बंद कर दिए ट्रिपल कोट को। तो ट्रिपल कोट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास लॉन्ग स्ट्रिंग्स होती हैं, लॉन्ग टेक्स्ट होता है, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे भी मूव कर जाएं। क्योंकि अगर आप सिंगल कोट के अंदर ये लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे तो वो आपको एरर जनरेट करेगा कि ये अलाउ नहीं है। तो ये इसके लिए हमने फिर ट्रिपल कोट्स को यूज़ करते हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि सिंगल कोट के अंदर लिखें और अगली लाइन पे चले जाएं, नेक्स्ट वहाँ पे जाके कुछ लिखिएगा, फिर वहाँ पे सिंगल कोट को या डबल कोट को क्लोज कीजिएगा, तो आपके पास एक एरर जनरेट होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, और अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखें और इसको चलाने की कोशिश करें तो हमारे पास एरर आ जाएगी, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1। उसकी रीज़न यही है कि ये हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम इस तरह से नेक्स्ट लाइन पे जाएं। उसके लिए कुछ एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट में लिख सकते हैं, डबल कोट में लिख सकते हैं, और अगर हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाहते हैं और टेक्स्ट हमारा बड़ा है तो हम उसको ट्रिपल कोट के अंदर लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग कनकैटिनेशन की। कनकैटिनेट का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। दो स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पे लिखी है, फर्स्ट नेम लिखा है फौजिया, लास्ट नेम लिखा है शारीन, और फुल नेम करके हमने इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश की है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और फिर इसको प्रिंट करा रहे हैं तो फुल नेम हमारे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है जी फौजिया शारीन। अब आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे टास्क है कि यहाँ पे आप देखिए फौजिया और शारीन के बीच में कोई स्पेस नज़र नहीं आ रही। मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पे कुछ स्पेस क्रिएट करें। हिंट आपके लिए यही है कि ये प्लस ऑपरेटर यूज होगा। और अब एक और हिंट भी है, चूंकि ये हमने दोनों को आपस में जोड़ना है तो हमें दोनों साइड पे लगाना पड़ेगा। बीच में आप क्या लगाएंगे, सिंगल कोट लगा के स्पेस देते हैं, डबल कोट लगा के स्पेस देते हैं, या क्या करते हैं, ये आप ट्राई करके देखिएगा, खुद से ट्राई करके देखिएगा कहीं भी देखने से पहले। और इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी डिटेल से बात करेंगे कि क्या वैल्यूज़ को भी इस तरह से कनकैटिनेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अगर किया जा सकता है तो कैसे करेंगे, अगर टाइप कन्वर्जन करनी पड़ी तो कैसे करेगी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप कन्वर्जन और फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।